और अब आपको ये बताते हैं कि मालाबार युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ड्रैगन टेंशन में क्यों है इसे लेकर। युद्धाभ्यास में शामिल चारों देशों की नौसेना के बीच एक तो पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेशन और मजबूत होगा, समन्वय बढ़ेगा, चारों देश एक दूसरे के बंदरगाहों और नेवी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन देशों में आपस में लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी हो रहा है चीन को घेरने के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चक्र तैयार हो रहा है और इसीलिए चीन जो है वो बहुत बिलबिलाया हुआ है। और कैसी ताकत खास तौर पर भारत और अमेरिका की नजर आने वाली है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले INS विक्रमादित्य का जिक्र करना जरूरी है, जिसका मतलब ये होता है कार 44,500 टन वजनी है। MiG-29 के फाइटर्स इस पर तैनात हैं, 30 फाइटर तैनात हो सकते हैं, 1600 नौसैनिक इस पर तैनात किए जा सकते हैं, ATM बूथ की भी सुविधा है, इसके अलावा साजो सामान रखने की सुविधा है, 1,00,000 अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल, 400 टन ताजा पानी इस पर स्टोर किया जा सकता है। अब अगर अमेरिका की ताकत की बात की जाए तो USS निमित्स का नाम सबसे पहले जहन में आता है। दुनिया का सबसे लंबा युद्धपोत है ये, 1,00,000 टन वजनी है, 82 फाइटर प्लेन इस पर तैनात किए जा सकते हैं और 50 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। 20 सेकंड में ये लैंडिंग और टेक ऑफ को अंजाम देता है और यही वजह है कि जब ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है चारों देशों की तरफ से मालाबार युद्धाभ्यास में तो चीन बहुत परेशान हो रहा है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।